नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी फिर आया जबरदस्त भूकंप। भूकंप आने की वजह से भगदड़ मच गई है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अभी अभी 2 मिनट पहले भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर दौड़ पड़े। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप शाम को 7:07 पर आया है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंडोनेशिया से, जहां पर भयानक भूकंप आया है। बता दें कि 2 दिन पहले बुधवार रात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 4.2 मापी गई थी। वहीं बुधवार सुबह अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। ये झटके सुबह करीब 9:55 पर आए हैं। भूकंप की तीव्रता दोस्तों 4.1 मापी गई थी। जापान के अंदर भी सोमवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए हैं। वहीं दोस्तों धरती हिलने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई थी। भूकंप इतना भयंकर था कि घरों में लगे पंखे झूमर हिलने लगे थे, घरों में दरारें आ गई हैं। वहीं दोस्तों आए दिन भूकंप आ रहा है, कभी इंडोनेशिया में, कभी चाइना में, कभी अमेरिका में, कभी जापान में और कभी भारत में। भारत में पिछले 15 दिन के भीतर लगभग 25 बार भूकंप आ गया है, और सबसे ज़्यादा भयंकर भूकंप उत्तरी राज्यों के अंदर आ रहा है। और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि उत्तरी राज्यों में कभी भी 7 या इससे अधिक तीव्रता का भयंकर से अति भयंकर भूकंप आ सकता है, जिसकी वजह से लोग भी अलर्ट हो गए हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंडोनेशिया से, जहां अभी अभी भूकंप आया है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, भूकंप आए तो सेफ स्थान पर पहुंच जाएं।